फागुन मास में या फगुन मास के अंदर जो पूर्णमासी आती है उस पे पूरे भारत में और पास में जो पड़ोसी देश है नेपाल और चैत के महीने में यानी इससे अगले महीने में थाईलैंड के अंदर भी एक उत्सव कहें या एक हुड़दंग कहें या हो हल्ला कहें या जिसका नाम अभी जो प्रचलित है होली होली सी या होली, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इसकी कहानी बहुत लंबी और बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये जो हुड़दंग और हो हल्ला मस्ता है इसका जो जिक्र है वो सबसे पहले मिलता है पाली साहित्य के धम्मपद की गाथा नंबर 26 और 27 में। 26 और 27 का मतलब है ए प्रमाद वग अपमाद वग। वग का मतलब मैंने पहले बताया है वर्ग, और प्रमाद में अगर ए लगा देते हैं तो ए प्रमाद हो जाता है और पाली में इसको बोलते हैं पमाद या अपमाद। उस गाथा के अनुसार कुछ भिक्कु जो बुद्ध विहार के अंदर हैं उनको वहां के उपासक कहते हैं, जो अच्छे उपासक हैं, कि भिक्कु यहां 7 दिन तक लोग एक दूसरे पे धूल फेंकेंगे, यहां एक प्रमाद का माहौल रहेगा, यहां एक इरोटिक यानी प्रमाद मस्त वाला मद मस्त वाला जहां लोग बौरा जाते हैं या पागलों जैसी हरकत करते हैं ऐसा माहौल रहेगा, तो अतः आप लोग बिहार में ही रहें और आपको जो भोजन है हम लोग बिहार में ही पहुंचा देंगे। ये बात जब भगवान को पता चलती है और भगवान के ध्यान में आती है तो भगवान इसके ऊपर एक गाथा भी कहते हैं जो गाथा नंबर 2.6 या 26 या 27 नंबर की होती है। मगर वहां पे होली शब्द का जिक्र नहीं है, ना होलिका का जिक्र है, मगर पाली भाषा में होला का जिक्र है। होला जो होता है आप सब जानते होंगे, खासतौर से जो गांव के लोग हैं वो जानते हैं कि होला का मतलब होता है जो चने की फसल होती है, चने की फसल में जो चना होता है हरा चना उसको होला बोलते हैं। और हेला शब्द भी आप जानते होंगे, हेला अभी तो वेस्ट बंगाल के अंदर कुछ लोगों की कास्ट के नाम से जाना जाता है, मगर हेला शब्द पाली के अंदर है। हेला का मतलब है ए प्रमाद वाली कीड़ा का अपोजिट, यानी कि प्रमाद वाली कीड़ा यानी खेल, प्रमाद युक्त या मद मस्त युक्त या ऐसा जिसमें इरोटिक या सेक्सुअलिक बहुत ज्यादा क्रियाएं होती हैं उसको पमाद बोलते हैं, और पमाद युक्त खेल को यहां हेला बोलते हैं, यानी उस खेल का नाम है। तो ये आप जो ध्यान अगर देंगे तो इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आई और सामने आती है। आपने अगर रखा सूत बंधन वाला अगर वीडियो देखा हो या ना भी देखा हो तो आप देख लें, तो वो सावन के महीने में आता है। सावन की पूर्णमासी को जब पहली संगति होती है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, जब पहली बार भिक्कुओं को ये एहसास होता है कि धम्म को बचाने के लिए धम्म की सभी आयतों में वर्सेस में सूत्रों में या धम्म के सभी नियमों में एक गांठ बांध के उसको माला के रूप में प्रो दिया जाए, यानी कि उसको गंठ बना दिया जाए, ग्रंथ बना दिया जाए, और उसके लिए जब वो सतपर्णी गुफा के आगे एक मंडप में 500 अरहत भिक्कू बैठते हैं तो वो जो सभा वहां जो त्रिपिटक यानी पूरे के पूरे साहित्य को बांधती है बनाती है और वहां से जो बंधन स्टार्ट करती है उनका जो रक्षा करती है सूतों की रक्षा करती है वो 7 महीने में पूरे होते हैं। और जो 7 महीना होता है पूरा वो जो फगुण है यानी जो फागुन है उसकी पूर्णमासी को पूरे होते हैं। फग्गु जो शब्द है, फग्गु शब्द बना है व्रतकाल से या भूखे रहने से या निहार रहने का समय, यानी कि आप अगर फग्गु का शब्द का मतलब जानेंगे तो फग्गु का मतलब है कि आपको व्रत रखना है, भूखे रहना है, मतलब आपको साधना में जाना है तो खाना कम खाना है, यानी साधना का समय है। तो फग्गु से फगुण बना है और इस मास को अब चूंकि इसको फागुन बोलते हैं तो यह फागुन की पूर्णमासी है जब यह आता है। तो यहां यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जो रखा सूत्र पहले बंधे थे वो अब पूर्ण हो गए हैं और फग्गुण मास में इसको उत्सव के रूप में मनाया जाता है। खासतौर से बेंगलोर के जो महाबोधि बुद्ध विहार हैं वहां पे इसको धम्मपद उत्सव के नाम से
या जो साहित्य पूरा हुआ है उसके उत्सव के नाम पे फागुनी उत्सव के नाम से या फागुनी मास उत्सव के नाम से इसको मनाया जाता है, जो महोत्सव के रूप में आता है। जो साधु, जो साधक हैं, जो उपासक हैं, जो बेंगलोर में रहते हैं, वो कई सालों से इसको देख रहे हैं और मना रहे हैं, और ऐसा ही दिल्ली के अंदर भी आरंभ हो चुका है। मगर होली का जो आरंभ है वो कैसे हुआ? धम्मपद के आधार पर अगर हम उस कथा के हिसाब से जाने तो जो पाली के अंदर धूली बोलते हैं धूल को, और लड्डू बोलते हैं धूल के यानी मिट्टी के ढले को। लड्डू जो मिट्टी का ढला है उसको, और जो धूली है वो धूल को, और इन दोनों शब्द को अगर मिला दें यानी कि लड्डू और धूली, तो ये बनता है धुलैड्डी। धुलैड्डू था पहले, धुलैड्डी हो गया, इसको धुलैड़ी भी बोलते हैं आज की भाषा में। और धुलैड़ी को ही वो क्रियाकलाप बोलते हैं जबकि लोग एक दूसरे के चेहरे को काला करते हैं, मिट्टी लगाते हैं, रंग लगाते हैं, या जो कार्यक्रम करते हैं। उस समय के जिक्र में कहीं गुलाल का या अबीर का या किसी भी तरह की किसी चीज का कोई जिक्र नहीं मिलता। मगर एक परंपरा जो पूरे भारत में, खासतौर से जो नॉर्थ इंडिया है, उसमें एक परंपरा चलती है कि अगर आपकी लड़की की शादी या किसी की लड़की की शादी अगर हो गई है तो उसकी पहली होली वो अपने मम्मी के और पापा के यानी कि अपने मायके में या पीहर में बिताती है और उसको वहां ले आते हैं। ये परंपरा अगर आप ध्यान देंगे तो ये परंपरा इसलिए विकसित हुई है क्योंकि जब शादी का लगभग एक साल के बीच का समय होता है तो लड़की के चांस ज्यादा होते हैं कि वो मां बनने की स्थिति में होती है। और ये जो प्रमाद वाला जो फेस्टिवल है, जैसा कि धम्मपद में आया है, इसमें हो हुल्लड़ करने के लिए लोग आएंगे और वहां आके वो मिट्टी धूली खेलेंगे, नशा पानी करेंगे, और वो उस समय प्रमाद में होंगे तो हो सकता है कि वो महिला के साथ में कोई छेड़छाड़ी करें और वो महिला अपने बच्चे से नुकसान उठा बैठे या कोई नुकसान उसके बच्चे को हो जाए, इसलिए वहां से उसके माँ बाप उसको हमेशा भेज देते हैं। ये एक परंपरा है जो आज भी लगभग भारत के लोग इसको निभाते हैं। ये परंपरा इसी कारण से विकसित हुई है ताकि बच्चा और माँ दोनों सेफ रहें। इस परंपरा में आपने ध्यान दिया होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि भारत के सारे उत्सव जितने भी हैं या जितने भी कार्यक्रम हैं वो फसलों के ऊपर हैं। अभी चने की फसल यहाँ आई हुई है तो चने को होला बोलते हैं, और जौ की फसल भी आने वाली है यानी जौ का भी देखते हैं, तो जगह जगह आग जला के इसमें दाने पका के खाते हैं और देखते हैं कि दानों की स्थिति क्या है। और आजकल तो गेहूं, पहले गेहूं नहीं होता था, आजकल गेहूं की जो बाल हैं उनको भी जला के भूनते हैं, और पानी का भी वर्शिपिंग करते हैं यानी पानी इसके साथ जाता है। पानी की वर्शिपिंग भारत की अपनी वर्शिपिंग है जो बहुत पुरानी वर्शिपिंग है, और थाईलैंड के अंदर जो अगला महीना आएगा उसमें पानी की होली वो खेलते हैं, खासतौर से बुद्ध विहारों को साफ करते हैं और भगवान बुद्ध की जितनी भी चैत्य स्तूप या प्रतिमा होती है उनको धोते हैं, और उसी में वो मस्त होकर आपस में एक दूसरे को भी पानी डालते हैं। वहां का एक फेस्टिवल है, पानी का फेस्टिवल वहां होता है, रंग का नहीं है। तो ये जो होला है, इस होला को यानी चने का जो हरा दाना है, इस होला को जब जलाते हैं और जलाने के बाद में कार्यक्रम हुआ तो ये उत्सव का एक रूप लिया और वहां सब लोग मिलके दाने वगैरह खाते हैं। आप ध्यान देंगे कि जो दिवाली पे जो गौतम धम्म के नाम से जो बात में गोधन और गोधन से फिर गौतम धन हुआ, गौतम धन से गोधन हुआ, और गोधन से फिर गोबर धन हुआ, यानी गोबर का जो बनाते हैं एक पुतला सा, उस पुतले में जो गोबर होती हैं उस गोबर के वो गोल गोल धम्मचक्र बनाते हैं और साथ में एक माला बनाते हैं और उस धम्मचक्र को बाद में जलाया जाता है। ये परंपरा बाद में विकसित हुई है। ये परंपरा बाद में इसलिए विकसित हुई है क्योंकि इसको विकृत किया गया और इसको खराब किया गया, और इस गौतम धम्म को गोवर्धन में बदला और उस गोवर्धन को याद दिलाने के लिए लास्ट तक भी लेके आए जिसको वो जलाते हैं, और धम्म को खत्म करने की परंपरा का एक विकृत रूप यहां दिखाई देता है क्योंकि धम्म चक्र बनी हुई आकृतियों को होली में फेंकते हैं और जलाते हैं। हो सकता है कि उसको याद करने के लिए भी हो, मगर जलाना अच्छी बात नहीं होती। और इस परंपरा का जो सबसे विकृत रूप आया वो ये आया कि होला जिस दिन होता है और जो हेला वाला कार्यक्रम है उसके अगले दिन जो धुलैंडी आती है यानी धूल भरे जो लोग आते हैं, ये 7 दिन तक चलता है, उसके बाद भी चलता है, और इसमें लोग प्रमाद में मस्त हो जाते हैं। प्रमाद में मस्त होने की वजह से उनके साथ में अनहोनियां हो जाती हैं, और उस अनहोनी करने के लिए जो आपका दुश्मन होगा, जो आपको खत्म करना चाहता होगा, वो उस मौके का फायदा उठाता है। और उस प्रमाद की अवस्था में चूंकि आपने नशा पानी किया हुआ है, आप वहां महिलाओं को छेड़ने का मन बना रहे हैं, महिला आपको छेड़ने का मन बना रही हैं, आप इरोटिक हैं, बिल्कुल सेडक्टिव हैं,
बहुत ज्यादा सेक्सुअली कामुकता में आप लटपटे हुए हैं, आपके मन मस्तिष्क में कामुकता है, कामुकता जिसको भगवान ने मार का सबसे बड़ा सेना का हथियार बताया है, तो उसमें होता क्या है कि आपको कोई हानि पहुंचा सकता है, आपको मार सकता है, आपके बच्चों के साथ में कोई विकृति कर सकता है, कोई जबरदस्ती कर सकता है, आपके चोरी हो सकती है, आपके शरीर का नुकसान हो सकता है। ये परंपरा बाद में चली और इस परंपरा की आड़ में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक कहानी जो चलती है पूरे भारत में जो आपने देखी होगी, क्योंकि हिरण्यकश्यप जो है, हिरण्यकश्यप इसका नाम है, हिरण्यकश्यप पाली का नाम है और उससे संबंधित होली का है, होली का जो नाम है वो भी पाली का नाम है। होली का नाम पाली का इसलिए है क्योंकि जितना भी बाद में आ आता है वो नाम सारे महिलाओं के लगभग होते हैं, जैसे होलिका, विशाखा, मिगार माता, सामा, महामाया, उपलवर्णा, पटाचारा, धम्मदीना, नंदा, सोना, सकुला, कुंडल केसा, कच्चाना, ये सारे नाम जितने भी हैं लगभग आ के बाद में आते हैं, जो आज भी लगभग लता, सुनीता, ये सारे नाम, अनीता, ये जितने भी आ वाले नाम हैं ये महिलाओं के होते हैं। तो चूंकि कहानी में ये बताया गया है कि आग में दो लोग बैठे और जल गए, तो आग तो सबके लिए बराबर धर्म का काम करती है। अगर आग में दो लोग बैठे हैं या तीन बैठे हैं या चार बैठे हैं तो ये छोटी सी बुद्धि की बात है कि सारे के सारे जल जाएंगे। तो आग में कोई भी वस्तु आप डालेंगे आग उसको भस्म कर देगी, ये आग का धर्म होता है, ये आग का धर्म होता है। इसलिए कहानियां होती हैं, कहानियों पर आप यकीन करें ना करें, मगर ये बात सच्चाई है कि इस प्रमाद वाली स्थिति में आपको नुकसान करने के लिए आज भी कोई आ सकता है, अपना मुंह काला करके टोली बना के आपको नुकसान कर सकता है। और भी अगर कोई नुकसान करने ना भी आए तो जो कार्यक्रम आज की डेट में जो डेवलप होकर आगे आया है, इसमें बहुत ज़्यादा शरीर को नुकसान होता है, धुआं होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, इसमें पैसे खराब होते हैं और इसका कहीं कोई फायदा या औचित्य नहीं है। भगवान बुद्ध ने अपनी गाथा में बताया था कि जो अच्छे लोग होते हैं वो प्रमाद में नहीं पड़ते। आज भी जो अच्छे लोग होते हैं, जो अकलमंद लोग होते हैं, बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो इस प्रमाद में नहीं पड़ते और वो इस होली के कृत्य को कभी नहीं करते। वो अपने घर में बैठते हैं, शांत बैठते हैं, दो दिन का पूरा फायदा उठाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, अपने शरीर को बचाते हैं, अपनी ऊर्जा बचाते हैं। मगर जो लोग प्रमाद में जाना चाहते हैं, जिनको प्रमाद मदमस्त करता है, वो लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं और वो जाके वहाँ जितनी निगेटिव एनर्जी है उन सबका इस्तेमाल करते हैं। ये जो एक दूसरे के ऊपर होली खेलने का या कुछ फेंकने का या कुछ करने का कार्यक्रम प्रमाद वाला है, ये पूरी दुनिया में लगभग होता है। कहीं टमाटर फेंके जाते हैं, कहीं संतरे फेंके जाते हैं, कहीं अंगूर फेंके जाते हैं, कहीं आटा फेंका जाता है, ये लगभग लगभग सब जगह चलता है। तो ये एक प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस में कहीं अगर अच्छी तरह से आप इस्तेमाल करेंगे इसको तो थोड़ा बहुत जॉय मिल सकता है, मगर भारत जैसे देश में इसका निगेटिव फायदा उठा के लोगों ने इसको विकृत करके और इसमें अपनी दुश्मनियाँ निकाली हैं और लोगों ने ये जो कहानियां चलती हैं, ये कहानी तो एक मात्र ऐसी हजारों कहानी है, जबकि इस क्रिया की लपेट में, इस क्रिया की चपेट में हजारों लाखों लोगों का नुकसान इसमें हुआ है और होता रहेगा जब तक ये प्रमाद वाली क्रिया चलती रहेंगी। इसलिए से नो टू होली या से नो टू प्रमाद। धन्यवाद। Shalom.